वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, ये शुरू करते हैं पहली खबर से। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड के 56,000 से अधिक बच्चे प्रतिभाग करेंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक राज्य से कुल 56,067 छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, जबकि रुड़की के विश्वजीत और कालसी देहरादून की संजिदी सीधे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष शकील अहमद के खिलाफ चुनाव के समय में पार्टी विरोधी वक्तव्यों को लेकर कार्रवाई की गई है। पार्टी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अकील अहमद ने मीडिया में बेवजह के बयान दिए हैं, जिससे चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा। उनके बयानों के आधार पर कांग्रेस ने अकील को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उत्तराखंड में मार्च के महीने में गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। हिमालय राज्य के करीब आधे जिलों में इस महीने बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक तापमान बढ़ने लगा है। यही नहीं, ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 मार्च तक गर्मी के तेवर ऐसे ही बने रहेंगे, बल्कि पारा और चढ़ सकता है। विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। मंगलवार को सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला किया। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी और हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने भाजपा सरकार को एलपीजी, पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार पर जमकर हमला बोला। रावत ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर मंत्रियों के पास आईएएस अफसरों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग की है। सतपाल महाराज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि ऐसे आईएएस अफसर जिनके विभागों में सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं, मंत्रियों को उन अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं और भी मौजूद मंत्रियों ने भी यही मांग की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर जल्द कोई निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।